टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात पर कर कटौती की घोषणा की है। इसमें भारतीय उपभोक्ताओं को कीमत में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा पाम ऑयल यहीं से आयात करते हैं। इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री मोहम्मद लुफ्ती ने कहा कि सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अपने अधिकतम कच्चे पाम तेल निर्यात और लेवी दर को $575 प्रति टन से घटाकर $488 प्रति टन कर देगी। वहीं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा है कि इंडोनेशिया द्वारा निर्यात कर को कम करना भारत के लिए एक अच्छा कदम माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल की कीमतें कम होंगी, जिसमें पाम तेल से बनी चीज़ों की कीमतों में कमी हो सकती है, जिसका सीधा फायदा भारत की आम जनता को होगा। वहीं इंडोनेशिया ने 3 सप्ताह के प्रतिबंध के बाद ताड़ के तेल के निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन लाल फिताही शाही के कारण प्रगति धीमी रही है, जिससे ताड़ मिलों के भंडारण टैंक भर गए हैं। किसानों ने शिकायत की है कि ताड़ के फलों की कीमतें कम बनी हुई हैं, क्योंकि मिलें अभी भी अपनी खरीद सीमित कर रही हैं। इससे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर में कटौती की गई। वहीं पाम ऑयल मिलों द्वारा किसानों से ताड़ के फल खरीदने बंद करने के बाद उद्योग समूह ने सरकार से निर्यात प्रतिबंध के दौरान बनाए गए भंडारण को खाली करने के लिए बड़े निर्यात कोटा की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस बारे में लुफ्ती ने कहा कि हम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। कंपनियों को स्थानीय स्तर पर बेचे जाने वाले पाम तेल की मात्रा का 5 गुना निर्यात करने की अनुमति है। इंडोनेशिया ने पाम तेल की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए 28 अप्रैल को प्रतिबंध लगाया था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते 23 मई को फिर से निर्यात शुरू कर दिया गया। अब टैक्स कम करने से इसका निर्यात बढ़ेगा और इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं इस फैसले से इंडोनेशिया के किसानों को भी फायदा होगा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स के मुताबिक लुफ्ती ने भी लेवी घटाने की घोषणा की है। वहीं इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री ने कहा है कि सरकार अधिकतम लेवी को घटाकर $200 प्रति टन करेगी। इंडोनेशिया द्वारा इस समय अधिकतम $375 प्रति टन शुल्क लेता है। निर्यात पर प्रतिबंध हटने के बाद ताड़ के तेल की सुरक्षित घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नीति बनाई है, जिसमें कहा गया है कि निर्यात परमिट दिए जाने से पहले उत्पादों को अपने उत्पादों का एक हिस्सा स्थानीय बाजार में बेचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।